अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीए मैथ 212 चैप्टर नंबर 3 इसकी रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स का जो है वो पार्ट 1 करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन 1 जो है वो आप देख सकते हैं कि एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है वो नेचुरल लॉग का एंगल है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने इसको लेट कर लेना है। सो लेट वाई इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा आपका एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। यहाँ भी आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको एक साइड पर नेचुरल लॉग का एक फॉर्मूला बता दूँ डेरीवेटिव का। जब भी आप डेरीवेटिव लेते हैं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का, तो ये आपका 1 डिवाइड बाई एंगल हो जाता है, साथ ही आपने इसके एंगल का डेरीवेटिव भी लेना होता है। बस एक छोटी सी चीज इसमें आपने याद रखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स और साथ नेचुरल लॉग ऑफ एंगल है, तो ये प्रोडक्ट रूल है, एक वेरिएबल है और साथ नेचुरल लॉग है। तो अब आपने क्या करना है, पहले ये आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है। सो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, हमारा इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो एक्स ही है ऑन बोथ साइड, इसी रिस्पेक्ट लेंगे हम। तो डी डिवाइड बाई डी विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू वाई इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू एक्स, हमारे पास जो मतलब कि राइट साइड पर है एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 उसका एंगल है, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये हो जाएगा डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट एज इट इज, और डेरीवेटिव यहाँ पर हमने लेना है सेकेंड वैल्यू का जो कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, ठीक है। उसके साथ ही आ जाएगा प्लस का साइन, फिर सेकेंड एज इट इज रहेगी ये वैल्यू, ठीक हो गया। और डेरिवेटिव हमने यहाँ पर लेना है फर्स्ट वैल्यू एक्स का जो कि आपको पता है 1 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन है ये। तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू ये आपका एक्स आ गया। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पर मैंने बताया ना आपको नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डिवाइड बाई वही यानी कि जो नेचुरल लॉग का एंगल है, और साथ ही आपने एंगल का डेरिवेटिव भी ले लेना है। तो उसके आगे वैल्यू जैसे ये देखें, 1 डिवाइड बाय हमने एंगल लेना है एक्स स्क्वायर माइनस 4, और इसके साथ ही हमने डेरिवेटिव लेना है इसके एंगल एक्स स्क्वायर माइनस 4 का। बस इतना काम करके सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। साथ ही प्लस हमारे पास यहाँ पर है नेचुरल लॉग ऑफ, ये आ जाएगा इसका एंगल एक्स स्क्वायर माइनस 4, और साथ ही इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा। शॉर्ट करते हैं, अलहदा अलहदा डेरिवेटिव लेना चाहिए अलहदा ले लें या एक ही में कर सकते हैं। ये हो जाएगा एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। इधर आपके पास जो है इसमें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, पावर शुरू में एक्स को लिखे पावर एक कम करके, और विदाउट पावर आपने इसी एक्स बेस का डेरिवेटिव लेना है, और माइनस में यहाँ पर आपके पास माइनस है, और वैसे तो कोई फायदा नहीं है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और प्लस आपके पास है नेचुरल लॉग ऑफ, ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4। हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर रहे हैं। सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पर आपके पास है 2 है और एक एक्स आ गया, साथ ही इसका डेरिवेटिव भी 1 हो गया, बाकी खत्म हो गया। और प्लस आपके पास यहाँ पर होगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो फाइनली स्टूडेंट हम आंसर बनाने जा रहे हैं। तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं कि एक्स इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2 एक्स स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, और प्लस आपका नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, यही आंसर है। क्या देखते हैं, हम एक्सरसाइज 3.3 जो है वो 3 कर रहे हैं, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 इसका आंसर है 2x² डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, और प्लस में है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, बिल्कुल यही आंसर है। तो आई होप के स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 जो है वो समझ आ गया होगा। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह हो तो कमेंट लाजमी कीजिएगा। और आपको मजीद अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन मिलते रहें तो बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह हो तो कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर भी करें। तो आपके साथ भी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।